नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब नवम भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि ये व्यक्ति कितना नसीबदार है, कितना भाग्यशाली है, कितना किस्मत वाला है, तो ये बातों की जानकारी के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव का अध्ययन किया जाता है। और नवम भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना हो और डीप जानकारी हासिल करनी हो तब षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर चतुर्थांश कुंडली को देखा जाता है। और चतुर्थांश कुंडली देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना नसीबदार है, भाग्यशाली है और किस्मत वाला है। तो उसके नियम बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और भाग्याधिपति चतुर्थांश कुंडली के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में युति प्रति युति प्रतियुति या दृष्टियोग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और सर्वस्व संपन्नता प्राप्त करते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के भाव में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा तीर्थ यात्रा करने वाले, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं। तीसरा नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नेश और भाग्येश, फिर से बोलता हूं, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नेश और भाग्येश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में युति प्रतियुति या फिर दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत शुभ माना जाता है, राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति गरीब घर में पैदा होने के बावजूद अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करते हैं और सर्वस्व को संपन्नता प्राप्त करते हैं और नसीब भी कदम कदम पे उसका साथ देता है। उसके बाद चौथा नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर कर्मेश और भाग्येश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में युति प्रतियुति या दृष्टियोग बनाते हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नसीबदार और किस्मत वाले होते हैं, उनको हर चीज टाइम टाइम पे मिल जाती है। और ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य की वृद्धि करते हैं, ऐसे लोग अपने कर्म से जाने जाते हैं, ऐसे लोग बहुत ही किस्मत वाले और भाग्यशाली होते हैं और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। वैसा ही एक नियम और भी है कि कर्मेश और भाग्येश अगर एक दूसरे के भाव में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक, निष्ठावान होते हैं, अपना काम नीति और ईमानदारी से करके धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। छठवां नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर पंचमेश और भाग्येश एक दूसरे के भाव में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिछले जन्म का अधूरा कर्म पूरा करने के लिए इस जन्म के अंदर दोबारा जन्म लेके आते हैं और इस जन्म के अंदर अपने अधूरे काम को पूरा करके पूर्णता का एहसास करते हैं, आत्म सुख की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नसीबदार होते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सातवां नियम, जन्म कुंडली का लग्न भाव चतुर्थ भाव में भी वही आ जाए तो इसे हम कहते हैं लग्न वर्गोत्तमी होना। और जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और भाग्याधिपति, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और भाग्याधिपति चतुर्थांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, ऐसे लोग सुखी घर में जन्म लेते हैं, अच्छी परवरिश में पले बड़े होते हैं और उसके माँ बाप ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए होते हैं।
ऐसे लोग बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले और नीति नियमों को मानने वाले होते हैं, और किस्मत भी उनका कदम कदम पे साथ देती है और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। आठवां नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और भाग्याधिपति, फिर से बोलता हूं, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और भाग्याधिपति जन्म कुंडली के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर केंद्र में त्रिकोण में या दूसरे ग्यारहवें भाव में बैठकर युति प्रतियुति या दृष्टियोग करते हो तो भी राज्योग जैसा फल मिलता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारी यात्रा तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य और परोपकार के काम करते हैं, अच्छे कामों में धन खर्च करते हैं, पिता की बहुत ज्यादा सेवा करने वाले होते हैं, यशवान, जशवान, कीर्तिवान और पुत्रवान बनते हैं। नौवां नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्न और लग्नेश, भाग्य और भाग्येश शुभ कर्तृ योग में बैठे हो। एग्जाम्पल के तौर पे लग्न के एक तरफ है शुक्र, दूसरे तरफ है चंद्र, तो हम कहेंगे लग्न भाव शुभ कर्तृ योग में है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि भाग्याधिपति गुरु शुक्र और चंद्र के बीच में है, तो हम कहेंगे कि भाग्याधिपति गुरु शुभ कर्तृ योग में है। तो फिर से बोलता हूं, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्न और लग्नेश, भाग्य और भाग्येश शुभ कर्तृ योग में बैठे हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, श्रद्धा वाले, नीति नियमों को मानने वाले और गरीब घर में पैदा होने के बावजूद एक दिन सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और बहुत नसीबदार होते हैं। दसवां नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नेश और भाग्येश, फिर से बोलता हूं, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नेश और भाग्येश बलवान बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे ग्यारहवें भाव में राजयोग बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल कि लग्नाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर उच्च का होकर रुचक योग बना रहा है, भाग्याधिपति गुरु उच्च का होकर चौथे भाव के अंदर हंस योग बना रहा है, तो चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नेश और भाग्येश बलवान बनकर राजयोग बनाते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति सुखी घर में जन्म लेते हैं, सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत ही संस्कारी, विद्वान, ज्ञानी और धार्मिक होते हैं, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। आखिरी नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति, ये तीनों ग्रहों की युति अगर पहले भाव, पांचवें भाव या नवे भाव में होती हो तो भी बहुत बड़ा राजयोग बनता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले और नसीबदार होते हैं, जन्म से ही सुखी घर में जन्म लेते हैं, माँ बाप अच्छे संस्कारों में उसका पालन पोषण करते हैं और इस जन्म के अंदर अच्छे कर्म करके जीवन को सार्थक बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, चतुर्थांश कुंडली को देखने के बाद हमें बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता है। चतुर्थांश कुंडली देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति को माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख कैसा मिलेगा। साथ में हमको ये भी पता चलता है कि व्यक्ति कितना नसीबदार है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको चतुर्थांश कुंडली के अंदर काफी सारी बातें बताई कि चतुर्थांश कुंडली से हमको पता चलता है कि व्यक्ति को मकान का सुख कैसा मिलेगा, व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा और व्यक्ति को माता का सुख कैसा होगा। ये सारी बातें हमें चतुर्थांश कुंडली से पता चलती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।